खबर जबलपुर से है, जहां जबलपुर में श्रीनाथ की तलैया के पास गंजीपुरा में श्रेय ब्रोकर की घर में घुसकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। हत्यारे ने उसका गर्दन रेतने के बाद सीने पेट में चाकू से 8 से 10 वार किए हैं। आरोपी उसका सोने का चेन व मोबाइल भी लूट ले गए। वारदात रविवार रात की बताई जा रही है। लॉर्डगंज पुलिस को सोमवार शाम करीब 7 बजे के लगभग पड़ोसियों से हत्या की सूचना मिली। लॉर्डगंज TI प्रफुल्ल श्रीवास्तव के मुताबिक श्रीनाथ की तलैया के सामने गंजीपुरा निवासी 44 वर्षीय जयदीप राठौर शेयर ब्रोकर और गोल्ड एक्सचेंज में पैसे लगाने का काम करता था। उसकी मां ओमवती बाई शनिवार को प्रयागराज एक शादी समारोह में शामिल होने गई थी। जयदीप शादीशुदा था, लेकिन पत्नी वैशाली अपने 14 वर्षीय बेटा आराध्य के साथ पिछले 12 सालों से मायके छिंदवाड़ा में रह रही है। बताया जाता है कि पति पत्नी में अच्छे संबंध नहीं थे। उसका बड़ा भाई अभयदीप परिवार सहित आधारताल में रहता है। घर में अकेला जयदीप ही था। सोमवार शाम 7 बजे के लगभग पड़ोसियों से पुलिस को हत्या की सूचना मिली। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस को चचेरे भाई अजय विश्वकर्मा ने बताया कि शाम करीब 4:30 बजे के लगभग जयदीप के घर का दरवाजा खुला देख उसने आवाज दी। जवाब नहीं मिलने पर वह ऊपर देखने पहुंचा तो कूलर, एग्जॉस्ट फैन और TV चालू थी। फर्श पर जयदीप का रक्त रंजित शव पड़ा था। इसके बाद उसने थाने में सूचना दी। जयदीप के गर्दन, सीने और पेट पर करीब 8 से 10 चाकू जैसे धारदार हथियार से वार करने के घाव थे। हत्या की खबर मिलते ही मौके पर FSL टीम सहित ASP गोपाल खांडेल, CSP कोतवाली दीपक मिश्रा, TI लाडगंज, TI SPS बघेल, TI कोतवाली अनिल गुप्ता और मदन महल थाने का बल पहुंच गया। हत्या से पहले जयदीप ने चाय पी थी। कमरे में एक ही कप मिला है। जयदीप शारीरिक रूप से बलिष्ठ था, बावजूद कमरे में संघर्ष जैसे हालात नहीं मिले। पुलिस को आशंका है कि हत्या करने वाला कोई करीबी या घनिष्ठता रखने वाला हो सकता है। जयदीप का घर 2 फीट की गली में 2 मंजिला बना है। नीचे के कमरे में उसकी मां रहती है, जबकि ऊपर के कमरे में जयदीप रहता था। हैरानी की बात यह है कि इतनी सघन बसाहट के बावजूद किसी ने ना तो जयदीप की चीख सुनी और ना ही किसी को उसके घर से आते जाते देखा। प्रयागराज गई उसकी मां ओमवती ने पुलिस को मोबाइल पर बताया कि जयदीप गले में सोने की मोटी चेन पहने था और महंगा मोबाइल रखता था, लेकिन पुलिस को मौके पर चेन मोबाइल नहीं मिली। पुलिस को संदेह है कि जयदीप के मोबाइल में ऐसा कुछ था जो हत्यारा किसी के सामने नहीं आने देना चाह रहा था। जयदीप की मां ओमवती प्रयागराज से जबलपुर देर रात पहुंची। उनके बयान के आधार पर पुलिस प्रकरण में आज लूट की धारा बढ़ाएगी। ASP गोपाल खांडेल ने मामले के खुलासे के लिए क्राइम ब्रांच और साइबर टीम को भी लगाया है। पुलिस आसपास लगे CCTV फुटेज खंगालने में जुटी है। फिलहाल पुलिस की सारी उम्मीदें जयदीप के गायब मोबाइल और CDR पर टिकी है। पुलिस ने आसपास रह रहे लोगों के भी बयान लिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिला जो हत्यारे तक पुलिस को पहुंचा सके। जयदीप रसिक मिजाज का था। इसी एंगल पर और शेयर में निवेश के विवाद वाले पहलू पर पुलिस की जाँच चल रही है। ये थाना लॉर्डगंज क्षेत्र का मामला है। श्रीनाथ की तलैया क्षेत्र में जयदीप सिंह राठौर का मकान है यहाँ पर, और वह अपने घर पे मृत पाया गया है। इसकी सूचना भी शाम को करीब 7 बजे थाने को मिली थी। इस घटना के संबंध में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। FSL टीम से भी हम पूरी जांच पड़ताल करा रहे हैं। डॉग स्क्वाड भी यहाँ पर है, और प्रथम दृष्टया घटनास्थल देखने से मामला हत्या का स्पष्ट हो रहा है। उसके सिर पर और शरीर पर धारदार हथियार की चोटें हैं, और इसमें हत्या का केस पंजीबद्ध करके और आगे अनुसंधान किया जा रहा है। जानकारी ये मिली है कि ये शेयर मार्केट का काम, मार्केटिंग का काम करता था, और कुछ गोल्ड का भी कुछ काम करता था। ये जानकारी अभी मिली है।